उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान शुरू हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से सहारनपुर के मेयर सीट पर इमरान मसूद की भाभी खदीजा मसूद को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी के नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद के आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी ने खदीजा मसूद के नाम का ऐलान किया है। बीएसपी उत्तर प्रदेश में तमाम मुसलमान उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में है, जिसके लिए पार्टी स्तर पर मायावती ने खुद तमाम पदाधिकारियों से फीडबैक लिया है। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल मर्डर केस के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। अतीक अहमद को वारंट बी के आधार पर साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया है। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हुई थी, जिसके बाद उनके काफिले को राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रोका गया था। अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज की कोर्ट से वारंट जारी हुआ है और पुलिस अब उसे रिमांड पर लेने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश में अगले महीने होने वाले निकाय चुनाव से पहले नामांकन का काम मंगलवार से शुरू हो गया है। प्रदेश के 9 मंडलों में पहले चरण के निकाय चुनाव कराने के लिए मंगलवार से नामांकन का काम शुरू हुआ है। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पहले चरण के लिए नॉमिनेशन कराए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 4 मार्च को संपन्न होगी। इसके लिए तमाम जिलों में नॉमिनेशन फॉर्म की बिक्री का काम भी शुरू हो गया है। मंगलवार को तमाम जिलों में जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी खुद नामांकन केंद्रों पर पहुँच कर यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश में अगले महीने होने वाले निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर तमाम प्रत्याशियों के नाम पर मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को एक अहम बैठक हुई, जिसमें तमाम संभावित प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। इस बैठक में प्रदेश संगठन के तमाम पदाधिकारी और खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी शामिल हुए। बीजेपी कार्यालय की ओर से 1-2 दिन में नामों के ऐलान होने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जातीय समीकरण को साधते हुए मेयर पद के उम्मीदवारों का चयन करेगी, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश दिया जा सके। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक सारस की जान बचाने वाले आरिफ ने कानपुर में अपने दोस्त सारस से मुलाकात की। कानपुर के चिड़ियाघर में स्थानीय सपा विधायक के साथ सारस से मिलने पहुंचे आरिफ को देखकर ये सारस काफी भावुक नजर आया। कानपुर जू की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया, जिसे देखकर तमाम लोगों ने कहा कि इस सारस को आजाद कर देना चाहिए।